और आज का शो भी होगा बहुत एक्साइटिंग। आप लीजिए ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले क्योंकि हमारे जो प्रदेश में रहने वाले हैं उन्होंने हमारा लाहौर का ये पोर्शन देख के इतना एंजॉय किया, तो हमने एक पैकेज आपके लिए बनाया है कि आप देखें कि लाहौर के कितने रंग हैं। चलिए देखते हैं। किचन में आ चुके हैं नूर किचन में और माजबीन हमारे साथ हैं। माजबीन आप बड़ी प्यारी लग रही हैं आज। माशाल्लाह नूर, ये आपका अक्स पड़ रहा है। अरे ये रोज हम लोग एक दूसरे को बटरिंग कर रहे होते हैं ना। अच्छा जी, माजबीन आज बना रही हैं, आप खुद बताएं क्योंकि मैं पकाने में मसरूफ हूं। जी आज हम बना रहे हैं स्पेशल नाश्ता जो है लाहौरी पाए, और छोटे पाए बना रहे हैं। इसके साथ हम बना रहे हैं क्रिस्पी पराठे और वेजी ऑमलेट और मीठी लस्सी। ये आपको कुज्जा नजर आ रहा है ना, सही लाहौरी स्टाइल है। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त बनेगी इसमें। हम आज आपको पता है जाहिर है इतने अच्छी जगह पे खड़े हैं, तो हम ये स्पेशल इसीलिए बना रहे हैं कि आपको अच्छा, जी, अच्छा लगे। पाए की रेसिपी बता दे। पाए की रेसिपी है, इसके लिए बहुत आसान है। सब लोग कहते हैं जी बहुत मुश्किल है पाए बनाना, आज बहुत आसानी के लिए कर दिया है कि सबसे पहले आपने चार पाए लिए, उनमें एक प्याज, थोड़ा सा लहसुन और साबुत गरम मसाला डाल के, पानी डाल के आप उसको बॉयल करने रख दें, उसको खूब गला लें आप उसी पानी में। उसके बाद इसका हम मसाला तैयार करेंगे। दो अदद प्याज हमने, एक कप ऑयल ले लें, घी ले लें, उसमें फ्राई किए। लहसुन अदरक पेस्ट जो है हमने, दही लेना है एक कप, उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाली, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और इसमें भी थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाला। अब ये प्याज हमारा तकरीबन गोल्डन फ्राई हो गया, बल्कि आज कुकिंग नूर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आइनों ने चॉप बड़े तरीके से किया, मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं पाए बनाना सीख जाऊँ। और पता, कल आपने जब पूरी हलवा बनाया तो जी फरमाइश है दुनिया भर में, आई एम श्योर आप सब लोगों ने खाया होगा। मेरी अम्मा ने देखा शो और आज उनकी फरमाइश थी बस अंदरून से तुम पूरी हलवा लेकर आओ। हाँ जी, मैंने ड्राइवर को पैसे देके बोला कि तुम ले लो जाके मम्मा के लिए। अच्छा बिल्कुल, ये पेस्ट तैयार हो जाएगी तो हम इसमें वो जो यखनी और वो जो पाए हैं वो शामिल करके इसको कुक कर लेंगे और हमारे पाए रेडी हो जाएंगे। जबरदस्त, इतने पाए बनाने मुश्किल तो बहुत है मगर ये इजी हो गए। अच्छा कहते हैं 3-4 घंटे जो पकाना पड़ता है वो तो नहीं इसमें आप? नहीं नूर, देखें इसको बॉयल जो किया ना तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लगा कल बॉयल करने में। गलती अच्छा। देर से है, लोग अच्छा। करते हैं प्रेशर लगा देते हैं उसका सारा, तो वो असर खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली, प्रेशर कुकर तो मुझे वैसे बड़ी नफरत है। बिल्कुल, प्रेशर कुकर यूज करने ही नहीं चाहिए, एक तो सारी गजाई चली जाती है और इतना स्कैरी मुझे लगता है कि वो जो डिश करता ना अगर आपके मुंह पे गिर गया तो वो बड़ा ही वो। बिल्कुल, इजी कुकिंग को ना आप करें, जितना आप भूनेंगे चीज को वो बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। अच्छा पाए आपने छोटे लिए ना? छोटे पाए लिए हैं मैंने, 4 अदद लिए, और ये है कि उसमें भी क्वालिटी होती है, आप जरा अच्छी क्वालिटी के ले लें। एक तो उसमें से ना जो लेस पैदा होती है ना वो अच्छे जो पाए आप लेंगे उससे पैदा होती है। जो आप पानी में, आपने कहा है पानी में डाल के गरम मसाला डाल के, गरम मसाला साबुत नहीं नहीं लहसुन आप साबुत डाल दें धो के, या उसके आप तुरियां डाल दें, उसके बाद साबुत गरम मसाला डाल के आप उसको सिंपली बॉयल कर लें। नमक नहीं डालना, हल्का सा 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून, क्योंकि अब इसमें जो पेस्ट हमने दही की डाली है उसमें शामिल कर दिया है। चलें ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अंडा बना रहे हैं, ऑमलेट है, वेजी ऑमलेट बन रहा है। उसमें है जी, हम ले रहे हैं 12 अदद अंडे, उसमें है 4 से 5 सब्ज प्याज आप चॉप करके डाल दें, 2 टमाटर चॉप करके डाल दें, नमक, सुरख मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाल के
अगर आप अपना ऑमलेट फ्लफी बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 टेबलस्पून आप दूध के ऐड कर लें तो बहुत फ्लफी और फूला हुआ ऑमलेट तैयार होता है। इसको हम सिंपली फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी पराठे जो हमारे बन रहे हैं उसके लिए है जी वाइट या फाइन आटा या मैदा, ये एक ही फॉर्म है, 1 किलो वो लेके इसमें मैंने 1 कप आटा भी शामिल कर लिया है कि बहुत ज़्यादा ना वो फिर बेलने में मुश्किल होती है। प्लेन आप मैदे के अगर बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा घी मैंने डाला है, नमक डाला है और उसको सिंपली टैप वाटर से गूंद लिया है। उसके बाद इसको बेल के इसमें हल्का सा मैंने बटर लगाना, चाहे बच्चों को दे रहे हैं आप बटर लगा लें घी लगा के, तो इसके मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब इसको सिंपली हम बेल के फ्राई कर लेंगे। और एंडिंग पे हमारी आ गई जी स्पेशल मीठी लस्सी। उसके लिए है 1/2 kg दही, 1/2 लीटर दूध और 4 टेबलस्पून चीनी। ये डाल के इसको अच्छी तरह ना ऐसे विस्क कर लेंगे या मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अगर आप बर्फ का, तो ज़ाहिर है सर्दी मौसम नहीं है, बर्फ डालना चाहें थोड़ी डालें, वरना इसको आप एज इट इज ग्लासेस में डाल के सर्व कर लें। जबरदस्त जी, आज क्योंकि हम लोग ऑमलेट भी बना रहे हैं तो आपको अंडे की गज़ाइत, जो अंडे में खास चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ जी। अंडा आंखों के लिए बहुत मुफीद है, सरप्राइजिंगली ना वाइट होता है आंखों के लिए बड़ा अच्छा होता होगा, नहीं वैसे आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक अंडे में आमतौर पर 6 ग्राम प्रोटीन और काफ़ी मिकदार में अमाइनो एसिड मौजूद हैं। ठीक है, अंडे की सफ़ेदी स्किन के लिए और जर्दी जो है बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। अक्सर कहते हैं ना दही में जर्दी डाल के लगा लो, 2-3 घंटे लगाएं तो आपके बाल बड़े अच्छे रहते हैं और बड़ी शाइन आ जाती है। अंडा गज़ाई से भरपूर होता है और इसमें मोटापा नहीं होता। इस शुक्र है कोई चीज़ तो ऐसी है कि हम जिसमें मोटापा नहीं। इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल नेल्स बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है। डॉक्टर्स एक सेहतमंद शख्स को रोज़ाना 2 अंडे खाने का मशवरा देते हैं। वैसे आजकल तो मैं 1 अंडा खा रही हूँ, लेकिन 2 अंडे खा लेने चाहिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं अंडे। आज ही कल हम बनाएंगे बेक पार्लर की रेसिपी, जो आपको कल रेसिपी बताएंगी माजबीन। और माजबीन आपकी ये खास बात ही होती है कि खुशबू बड़ी होती है। अब मैं ज़रा लस्सी की तरफ आ जाऊँ। बिल्कुल आए ज़रा, अब आप इसको पकाएं। एक तो लस्सी, एक तो कुज्जा होना बड़ा ज़रूरी है अगर आपने लस्सी बनानी है। कुज्जे में जो बनती है ना, अभी रमज़ान चल रहा था तो रमज़ान में जी मैं लस्सी बनाती थी उसमें जूसर के अंदर ना, तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन कहा कि तो मैं तो लस्सी बनानी आती, देन ही गॉट दिस कुज्जा और कुज्जे के अंदर उन्होंने लस्सी बनाई। फिर मुझे समझ आया कि कुज्जे में लस्सी का इफेक्ट ही कुछ और होता है। तो अगर आपके पास ये कुज्जा नहीं है तो आप ले लें। लस्सी के फ़ायदे आपको बताऊँ, रिसर्च से साबित हुआ है कि लस्सी पीने वालों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। दूसरे, लस्सी में मौजूद कैल्शियम, विटामिन बी, प्रोटीन और पोटाशियम काफ़ी मकदार में मौजूद है। कुदरती तौर पर लस्सी में एक बॉडी में मौजूद एक बैक्टीरिया होता है जो जिसको वो किल करती है। ठीक है जी, और कहा जाता है कि हिंदुस्तान के दौर में महाराजा और राजा महाराजा बड़े पसंद किए करते थे लस्सी को। अच्छा जी, अच्छा जो लस्सी पीते हैं स्टूडेंट्स तो उनकी जो है ना मतलब स्टडीज़ में भी बहुत तेज़ होते हैं। लस्सी में बॉडी की हिद्दत जो मतलब गर्माइश जो होती है बॉडी की हिद्दत को, गर्मियों में बड़ा मज़ा आता है लस्सी पीने का, कहते हैं बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, ये लस्सी को मैं ज़रा इसको थोड़ा थोड़ा करूँ, ये मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको करने में। ये देखें, ये है तरीका हमारा लाहौरी स्टाइल। और देखे में। होंगे कि नूर आज बहुत अच्छी लग रही है काम करते हुए। आपको मैं एक किसी दिन मैं आप करेंगी होस्टिंग और मैं करूंगी कुकिंग, तो आप अपनी उंगलियां खा जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इतना अच्छा मैं बनाती हूँ जी। अच्छा, बेक पार्लर की क्या रेसिपी बनाने वाले हैं कल हम? नूर, आप कल ना मेरा दिल कर रहा है कि बहुत कोई ना चटपटी सी मजेदार सी बनाई जाए। जबरदस्त, तो जाहिर है हमारा लाहौरी वीक चल रहा है, हम चटपटे खाने बना रहे हैं, तो कोई खूब चटपटी मजेदार सी लाहौरी जो है डिश हम बनाएंगे। वैसे भी सर्दियों में ना जैसे हम पाए खा रहे हैं, सर्दियों में मेरे ख्याल में लाओ होता है ये चीजें हम लोग खा सकते हैं। आए जरा मैं आपको मसाला देखूं कि पायों का क्या हाल है। अच्छा जी, सवाल हमने आज आपके लिए क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट कर देती हूँ। नोकिया X101 जीतने के लिए क्वेश्चन ये है, शाही किला और बादशाही मस्जिद और शाही किला के दरमियान में जो गार्डन आपको नजर आ रहा है उस बाग का नाम क्या है? ऑप्शन है बाग जना, बाग लाहौर, हजूरी बाग। ठीक है जी, ये आप ऑप्शन है। और नोकिया का मुनफरद फ़ोन X101 दो सिमों वाला लाजवाब फ़ोन है, तो एक वक्त में 2 सिम्स आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप गर्लफ्रेंड को धोखा देना चाहें। एक कोई और नंबर दिया हुआ है, दूसरे को कोई और नंबर दिया हुआ है, या फिर बीवी जैसे तंग कर रही होती है काम के वक्त, ओ माई गॉड काम है लेकिन आप हमें फ़ोन नहीं कर रहे या नहीं कर रहे, मुझे अक्सर शिकायत रहती है अपने हस्बैंड से। तो 2 मोबाइल लेने के बजाय नोकिया X101 एक मोबाइल जो है ना वो चल जाएगा। नंबर आप नोट कर लीजिए, 04237640181। आप जो कॉल करेगा पहले उसको इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करके, बिकॉज कल की हमने ईमेल पे निकाली है, तो आज आपको मोबाइल जो है ना सेट आपको जिता देंगे। ईमेल भी कर सकते हैं वैसे आप, और फेसबुक पे भी आप कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं। तो आप जल्दी से एसएमएस करें, फ़ोन उठाएं और हमें कॉल करें, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम जब आप हमें कॉल करें या एसएमएस करें तो आप नोकिया X101 से आप हमें कर सकें। क्या ज़बरदस्त पाए लग रहे हैं, अगर जिप से ये शॉट आप पायों का दिखा सकते हैं तो ज़रा दिखा दें।
अच्छा छोटे पाए बड़े पाए क्या डिफरेंस है उसमें? बहुत डिफरेंस है नूर, एक बड़े पाए वो होते हैं गाय के है या बछड़े के भी लोग लेते हैं, पकाते हैं उसको भी सारी रात आगे नहीं, ऐसे ही सेम यही मेथड है। वो मुश्किल होते हैं? सेम यही मेथड। ज्यादा मजे के कौन से? मजे के जो हैं मुझे तो छोटे लगते हैं, मगर उसमें भी जो है ना कुछ जो गजाइयत है वो वैल्यू ज्यादा जरा बढ़ जाती है जाहिर है। वो बोंग किसको कहते हैं? बोंग जो है ना नूर उसकी बनती है निहारी, बहुत मजेदार। अच्छा, लेकिन वो पायों का हिस्सा ही होता है? पाए का ऊपर डालते हैं, पाए में भी डालते हैं लोग, पकाते हैं बोंग और पाए इकट्ठे पकाते हैं। हाँ। तो मगर मैं जो हूँ मैं तो लैदा ही बनाती हूँ, पाए भी लैदा बना ली और बोंग से निहारी बना ली। अगर आप लाहौर में रहते हैं जनाब तो कभी जब पाए, जैसे हमने कल आपकी मुलाकात कराई थी, वो फज्जे किसी भी पाए जो हैं या फिर कहीं भी अच्छी पाए की दुकान में आप जाएँ तो बड़ी फ़नी मुझे बात लगती थी जब बचपन में मामा अबू के साथ जाते थे, तब मोटे भी थे खा सकते थे, अब तो पाए खा ही नहीं जाते इतने ज़्यादा, तो वहाँ पर जाकर होता था कि जी खद ला दो, ज़बान ला दो, एंड आई यूज़ टू बी लाइक कि माय गॉड बकरे की ज़बान खा रहे हैं और खद क्या होता है, और मगज़ डाल के ले आओ, ये डाल के ले आओ, खद क्या होती है वो, मतलब हर चीज़ खा लेते हैं हम बकरे। बिल्कुल, की बकरे ओजरी भी खाई जाती बिल्कुल, है बिल्कुल। ओजरी तो लोग दाल में भी पका के खा लेते हैं। ओजरी तो मेरी माँ की बड़ी फेवरेट है, पता नहीं कब से तलाश कर रही है वो किसी रेस्टोरेंट में बनी हुई हो, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें मज़ेदार होती हैं लोग खाते हैं, लेकिन मुझे बड़ी वीर्ड सी लगती हैं कि जी ज़बान खा ली और खाद डाल के ले आओ और पाए सिरी ले आओ। सिरी कोई सर होता है उसका? सिरी कोई तो खाद कहते हैं। अच्छा सिरी कोई खाद कहते हैं, सिरी इज द मगज। बिल्कुल, बकरे को जब ना नूर वो जाहिर है वो जैसे हम पाए लेते हैं उसी तरह सिरी होती है, उसको बनवाते हैं गोश्त और उसको भी ऐसे ही पकाते हैं जैसे हम पाए बनाते हैं। अच्छा, तो वो भी नान के साथ खाया जाता है, उसका भी शोरबा जो है वो चीक को कहते हैं वो कह रहे हैं। हाँ जी, ये यानी सिरी में शामिल हो जाते हैं, बकरे का कोई हिस्सा नहीं, हम छोटे हम सब कुछ खा जाते हैं। शुक्र है हम लोग खाले नहीं खाते बकरे। हजरत अली का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है कि अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान ना बनाओ। ज़रूर खाना चाहिए, ज़रूर खाएं आप, लेकिन मकदार जो है ना वो ज़रूर गए, सब्ज़ी ज़रूर है आपको ज़्यादा खानी। जैसे वेजिटेरियन लोग मैंने अक्सर देखा है हिंदुस्तान में, जो भी इस वक्त शो देख रहे हैं हिंदुस्तान में बहुत वेजिटेरियन लोग होते हैं, लंबी होती है बिकॉज़ वो वेजिटेबल्स पे होते हैं तो वो हेल्दी रहते हैं। हम गोश्त खोर कौम है, हम लोग इतना गोश्त खाते हैं इतना घी खाते हैं कि हम जल्दी ही दुनिया से कूच भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हम आपके सामने से थोड़ी देर के लिए कूच करते हैं लेकिन आपके साथ रहेंगे, माजबीन खाना तैयार करती रहेंगी, मैं आपसे ऊपर से गपशप जारी रखूँगी। बहुत स्पेशल लोगों से आप मिलाने वाले हैं, कहीं मत जाइएगा, चैनल चेंज मत कीजिएगा, यू हैव टू स्टे ट्यून्ड बिकॉज जो लोग आपसे मिलने वाले हैं आई एम श्योर यू लव देम। टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक।